नमस्कार, मैं टोइंगल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं आज के खबरों की तरफ। न्यूज मोमेंट की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को अलविदा जुम्मा मुबारक। आज शुक्रवार है और आप देख रहे हैं मोमेंट फ्राइडे, जिसका मतलब कुछ अलग होता है। आज हम आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर एक इंटरव्यू पेश करने जा रहे हैं। उसके बाद जामुड़िया में अवैध कोयला कारोबार सेल NJCS कमेटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, और अंत में कुछ ट्रेनों में सामान्य बोगियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हमारे साथ इसी तरह अंत तक बने रहें। अब हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की महत्व के बारे में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको अपनी गुणवत्ता कौशल को पोषित करने, बनाने, पढ़ाने में मदद करता है, और आपकी कमजोरी को ताकत में बदलने में भी आपकी मदद करता है। आइए आपके या किसी के भी जीवन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के महत्व पर नजर डालते हैं, और यहाँ हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं। पहला, आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। व्यक्तित्व विकास अंततः आपके आत्मविश्वास का निर्माण करता है। जब आप जानते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, या आप जानते हैं कि आप अच्छे दिखते हैं, तो यह स्वतः ही आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और बढ़ाता ही है। दूसरा, आपको नेता बनाता है। एक पोषित और विकसित व्यक्तित्व के साथ आप एक नेता बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हैं। जब आपका व्यक्तित्व अच्छा होता है तो लोग साथी परिचित आपको एक नेता के रूप में देखते हैं। आप निर्णय लेने के में सक्षम होते हैं और इस पर पूरा भरोसा रखते हैं कि जो भी अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण है। तीसरा, बातचीत करते समय आप सटीक और स्पष्ट हैं। व्यक्तित्व विकास का एक और महत्व यह है, आप संरक्षण में स्पष्ट, सटीक और प्रभावी बन जाते हैं। जब आप बोलते हैं तो आप शर्मीले, घबराए हुए नहीं होते, लेकिन यह आत्मविश्वास है जो बात करते समय देखा जाता है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टेप इन रेनबो ड्रेसेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ किड्स वियर, बस्तीन बाजार मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। रेनबो बिग शॉप, ऑल वेराइटीज ऑफ लेडीज वियर, मेन्स वियर एंड सूट पीसेस आर ऑल्सो अवेलेबल। बस्तीन बाजार, जीडी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 03412211590। रेनबो बिग शॉप। कुछ और टिप्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जिसकी आपको जीवन में हमेशा आवश्यकता होती है। व्यक्तित्व विकास युक्तियों के साथ आप अपने कार्यों, रूप, हाव भाव के बारे में सुनिश्चित हैं, जो आत्मविश्वास लाते हैं। पांचवा, एक सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करें। जो जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि आप खुशियां फैला रहे हैं और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। लोगों के आपके ऊपर आने और आपसे बात करने की संभावना है। यह सुखी जीवन की ओर ले जाता है। यह आपको विभिन्न व्यक्तित्व विकास युक्तियों से प्राप्त होता है। यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण के निर्माण में मदद करता है। छठा, बेहतर जीवन शैली में योगदान करें। एक बेहतर जीवन शैली कौन नहीं चाहता, हर कोई। जब आप बहुत शर्मीले, खाली और भयभीत होते हैं तो आप अपना जीवन पूरे आनंद के साथ नहीं जी रहे होते। इसके विपरीत विभिन्न व्यक्तित्व विकास युक्तियों के साथ आपके पास सकारात्मकता, आत्मविश्वास, खुशी है, जिसके फलस्वरूप बेहतर जीवन शैली होती है।
और अधिक खबरों के लिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वियर के एक्सक्लूसिव शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वियर, महिलाओं का पसंदीदा शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वियर, नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से वाजिब दरों पर, है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वियर, और रेडीमेड ड्रेसों का संभार, सब एक से बढ़कर एक स्टाइल, तो फिर इस बार ईद में छा जाए इसराइल के कलेक्शन सपना, इसराइल अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वियर, बस्तीन बाजार रोड, आसनसोल, कॉल 760-2923। यहाँ एक शिक्षाविद मिसेस सीरी, जो अंग्रेजी बोलने वाले स्टूडेंट्स के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रयास भी करती हैं। आइए मिलते हैं उनसे और उनकी बातें सुनते हैं। फर्स्ट योर इंट्रोडक्शन। ओके, तो बात अगर इंट्रोडक्शन पे है तो मेरा नाम शिरीन आफरीन है, मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से हूँ। करेंटली मैं स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ आसनसोल में, और मैं क्लासेस देती हूँ कोचिंग के लिए भी, क्लासेस 3 to 12, एंड क्लासेस 7 तक मैं ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, एंड 8 ऑनवर्ड्स टिल 12 मैं इंग्लिश पे डील करती हूँ। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? सर, बात अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की होती है तो पर्सनैलिटी का मतलब है कि आप ऐसे शख्सियत बने जिससे आपको लोग पसंद करें, या फिर आपको देखने के बाद लोग याद रखें, मिलने के बाद याद रखें। तो पर्सनैलिटी वो होती है जो आप मेंटेन करके रखते हैं, अपने बारे में बना कर रखते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द फेस और नहीं सर, पर्सनैलिटी सिर्फ फेस पे डिपेंड नहीं होती, और पर्सनैलिटी एक्चुअली आपको बनानी पड़ती है कि आप किसी से मिले तो आप उस हिसाब से मिले कि वो आपको याद रखे, आपके पहनने ओढ़ने का तरीका, बात करने की तरीके, और भी बहुत सी चीज़ है जो पर्सनैलिटी के अंदर आती है। तो दैट इज ऑल अ पर्सनैलिटी हैज टू बी। एंड डू यू थिंक दैट इंग्लिश प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ? डेफिनेटली इंग्लिश प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए तब आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी, बट एटलीस्ट अगर आपको इंग्लिश आती है तो लोग आपको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। जो आज के डेट पे हमारा सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, वो हिंदी है, मेन लैंग्वेज जो है हमारा हिंदी है, हिंदी लगभग सभी को आती है, बट आप जितने भी ऊंचे पोस्ट पे चले जाओ इंग्लिश आनी ज़रूरी है आज के डेट पे। अगर करियर पे फोकस करते हैं या किसी लाइन को लेकर आगे बढ़ते हैं तो इंग्लिश ज़रूरी है कहीं ना कहीं। तो हाउ डज स्पोकन इंग्लिश अफेक्ट्स आवर लाइफ? सर, स्पोकन इंग्लिश अफेक्ट्स आवर लाइफ इन मेनी वेज। लाइक अगर आप सीखे हैं इंग्लिश तो आप अपने आने वाले जनरेशन को रेडी कर सकते हैं। अगर आप उस हिसाब से रेडी है, प्रेजेंटेबल है, तो आप किसी से कभी भी बेझिझक मिल सकते हैं। आपको अंदर में एक ऑकवर्ड नहीं फील होगा, यू वॉन्ट फील लाइक समथिंग हेजिटेटिंग ऑल द टाइम दैट आई डोंट नो इंग्लिश। और इंग्लिश जानना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग आज भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं इंग्लिश को, और अगर लोग इंग्लिश जानते हैं तो कई भीड़ में लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society, affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. और बातें हुई। लोग आज भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं इंग्लिश को, और अगर लोग इंग्लिश जानते हैं तो कई भीड़ में लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आपके हिसाब से स्पोकन इंग्लिश के लिए क्या करना चाहिए? सर, स्पोकन इंग्लिश के लिए जरूरी नहीं है कि आप क्लासेस करें या फिर कुछ
छोटे मोटे इनिशिएटिव आप ले सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे वीडियो अवेलेबल हैं, और आप अच्छे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको वक्त है तो। वीडियोस वगैरह देखने के बाद आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली बोलचाल लैंग्वेज में छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड्स डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप कंप्लीट सेंटेंस बोलें, बट हाँ कुछ लोगों से मिलना ज़रूरी होता है ताकि आपका हेजिटेशन दूर हो और आप कॉन्फिडेंट बने। कॉन्फिडेंट बनने के लिए तेज़ बात करना, ज़ोर बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉइस मॉड्यूलेशन और आपका वोकल कॉर्ड का पेस कितना जरूरी है, आपका स्पीड कितना जरूरी है, सब कुछ डिपेंड करता है एक इंग्लिश बोलने के लिए। एंड सम अदर थिंग्स अबाउट स्पोकन इंग्लिश, दैट्स ऑल आई वांट टू से, बिकॉज़ इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, आपको इंटरव्यू निकालनी है। इंटरव्यू में बेसिकली आज के डेट पे इंग्लिश के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर रहे हैं, अगर समझ रहे हैं, तो आप डील जरूर कर पाएंगे। तो मेरी सजेशन है कि अगर आपके पास वक्त है तो प्लीज़ गो फॉर इंग्लिश, और इम्पोर्टेंस देनी चाहिए सब्जेक्ट को डेफिनेटली, बिकॉज आप जितने भी आगे बढ़ जाओ आज के डेट पे अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे प्रोफेशन हैंडल कर रहे हैं, बट बात अगर इंग्लिश पे आती है तो लोग हेजिटेट करते हैं स्टेज पे आने से, भीड़ में आने से, बात करने से, तो कुछ हद तक इंग्लिश ज़रूरी है। कमर्शियली इट आल्सो अफेक्ट्स योर लाइफ, डेफिनेटली कमर्शियली इट अफेक्ट्स योर लाइफ, बिकॉज बहुत जगह क्या होता है कि इंग्लिश आपके पास ज़रूरी होती है, इंग्लिश क्राइटेरिया है कि इंग्लिश आनी चाहिए तो सैलरी अच्छी होगी, इंग्लिश नहीं आती है तो आपकी सैलरी नॉमिनल सैलरी होगी, तो उस हिसाब से आपको कहीं ना कहीं ज़रूरी है अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए। थैंक यू। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कंप्लीट योर सेल्फ विद सलीका, सलीका कलेक्शन, होलसेलर एंड रिटेलर ऑफ सलवार सूट पीसेस, लहंगा, गरारा। कॉन्टैक्ट सलीका कलेक्शन इन बस्तीन बाजार आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 8509608588। जामुड़िया के कई हिस्से में सीबीआई छापे के बाद रोके जाने के शोर शराबे के बावजूद अवैध कोयले का कारोबार जारी है। कई कोयला माफिया की गिरफ्तारी भी हुई है। हाल ही में पुलिस ने 2 ट्रक बरामद किए हैं। इसे कोई भी आसानी से समझ सकता है कि अवैध कोयले कारोबार गठजोड़ के साथ जारी रखा जा रहा है। जामुड़िया से दिलीप साव के अनुसार, जामुड़िया के कुछ इलाकों में बहुत दिन से लगातार संचालन हो रहे अवैध कोयला कारोबारों, इसके खिलाफ जामुड़िया थाना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जामुड़िया में वोट खत्म होते ही अवैध कोयला कारोबारी के फिर से सक्रिय होने लगी है। जामुड़िया पुलिस को खास सूत्रों से यह जानकारी मिली कि रविवार रात को एक लॉरी में अवैध कोयला लाद कर ले जा रहा था। वहीं ताक लगाए पुलिस कोयले से लदे लॉरी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मुख्य अपराधी का नाम पता लगाने की प्रयास कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वाहन नंबर WB37D6381 रविवार रात को जामुड़िया थाना के खुरमा डांगा से अवैध कोयला की तस्करी का प्रयास कर रहा था। विशेष सूत्रों से सूचना मिलने पर जामुड़िया पुलिस ने लॉरी को जब्त कर लिया। वाहन के चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करके अधिक जानकारी प्राप्त की जा रही है। नाम ना जाहिर करने की शर्त पर कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि जामुड़िया में दशकों से कोयला माफिया सक्रिय है। जामुड़िया थाना अंतर्गत शिवपुर, मोती बाजार, काटागुड़िया, बेजनत्रीपुर, चुरुलिया सहित कई जगहों में रात के अंधेरे में अवैध कोयला लॉरी, डंपर, ट्रैक्टर और छोटे वाहनों में लाद कर तस्करी की जा रही है। ECL के सूत्रों ने बताया है कि ECL के सुरक्षा गार्डों ने इस महीने की 7 तारीख को तापसी रेल गेट इलाके से कोयले से लदे 2 लॉरी जब्त की। ECL अधिकारियों ने जामुड़िया पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और
फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल, मोबाइल नंबर 9635640012। सेल NJCS सब कमेटी की बैठक, बेनतीजा, ठेका श्रमिक में आक्रोश। बर्नपुर से सुरजीत सेन गुप्ता के अनुसार, सेल में कार्यरत हजारों ठेका श्रमिकों के लंबे समय से लंबित मुद्दों को लेकर सेल NJCS सब कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में निविदा रहे इससे ठेका श्रमिकों में आक्रोश देखा जा रहा है। सेल में कार्यरत 85,000 ठेकेदार श्रमिकों के वेतन पुनर्निरीक्षण को लेकर आज NJCS सब कमेटी को बैठक न्यू दिल्ली के हैबिटेंट सेंटर में हुई। यूनियन की ओर से श्रमिकों के वेतन के ऊपर जो भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव हो वो बेसिक पे के साथ जुड़े ऐसे मांगों रखी गई है, परंतु मैनेजमेंट की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया। लगातार तीसरी बैठक भी बेनतीजा रही। अगली बैठक 26/5/2022 न्यू दिल्ली में प्रस्तावित की जाएगी, जहां मैनेजमेंट ठेकेदार श्रमिकों के बेसिक पे बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव लगाएगा। गौरतलब है कि सेल के ठेका श्रमिकों के वेतन संशोधन की मांग लगातार हो रही है। अब तक हुई बैठक में यूनियनों ने श्रमिक का वेतन S1 ग्रेड के न्यूनतम मूल के अनुसार मांगा है। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, CCTV कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहां उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विद प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विद प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग, अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास घागरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घागरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर। रविन्द्र जन्मोत्सव समिति का गठन, अभिजीत घटक को समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। आसनसोल नगर पालिका में रविन्द्र जन्मोत्सव समिति का गठन हुआ। आसनसोल नगर पालिका के सम्मेलन कक्ष में आगामी रविन्द्र जन्म दिवस मनाने के गुरुवार सुबह एक रविन्द्र जन्मोत्सव समिति का गठन किया गया। उपमहापौर अभिजीत घटक को समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। महापौर विधान उपाध्याय अध्यक्ष होंगे। अभिजीत घटक ने कहा है कि कोविड के कारण पिछले 2 साल से रविन्द्र जन्मोत्सव नहीं मनाया गया। 25वें बैसाख को रविन्द्र टैगोर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके बाद कवि को रविंद्र संगीत, रविंद्र गीति नृत्य से सम्मानित किया जाएगा। अगले दिन कोलकाता से प्रख्यात संगीतकार आएंगे। अभिजीत घटक ने आसनसोल के लोगों से समारोह में शामिल होने और रविंद्र नाथ को श्रद्धांजलि देने की अपील की है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्या है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। यहाँ पर हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर 4 है, आप लोग उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का इस रोड में। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, पूर्वा समेत इन ट्रेनों में बिना रिजर्वेशन के यात्रा, जाने कब। कोरोना संकट
के कारण रेलवे करीब 2 साल से अधिक समय बाद फिर से विभिन्न महत्वपूर्ण ट्रेनों में सामान्य श्रेणी में बिना रिजर्वेशन के यात्रा शुरू करने जा रहा है। दिल्ली, देहरादून एवं जम्मू तवी से कोलकाता, हावड़ा आने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनों में यह व्यवस्था फिर से लागू होने जा रही है। पूर्वा एक्सप्रेस, कालका मेल, उपासना एक्सप्रेस, हिमगिरी एक्सप्रेस, अकाल तख्त, नंगल डैम एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, दुर्गियाना एक्सप्रेस, कुंभ एक्सप्रेस, जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस, जलियावाला बाग एक्सप्रेस, पंजाब मेल, दून एक्सप्रेस आदि ट्रेनों में सामान्य श्रेणी यानी कि सेकंड क्लास में यात्री बिना रिजर्वेशन के सफ़र कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। चरणबद्ध तरीके से सेवा शुरू होगी, इसके लिए तारीख भी घोषित कर दी गई है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड क्लासेस क्लास 8 to 10, क्लास 11 and 12, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ग्रेजुएशन, ऑनर्स एंड प्रोग्राम। वी ऑल्सो प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस लाइक SSC, रेल, WBCS एंड स्टेट लेवल एग्जाम्स। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9932864067 और 8116183079। यात्री का खोया हुआ सामान मिल जाने पर उन्हें लौटाया गया। जसीडी के प्रीमियम लॉज में एक पर्स श्री US ठाकुर के जांच दस्ते के सदस्य TTE श्री अमरजीत प्रकाश द्वारा 27 अप्रैल 2022 को बरामद किया गया। किसी दावेदार के नहीं मिलने पर उन्होंने इसकी फ़ोटो ली और उसे लेकर पूछताछ काउंटर पर आया एवं वहां से सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के जरिए इससे संबंधित लगातार सूचना प्रसारित की। कुछ समय बाद एक यात्री आए, उन्हें बरामद हुए पर्स को अपना बताया। समुचित सत्यापन और तमाम कार्यालय और औपचारिकता पूरी होने के बाद उस पर्स उन्हें सौंप दिया गया, जिसमें 33,500 रुपये और अन्य बहुमूल्य दस्तावेज थे। यात्री ने रेलवे खासकर खोए हुए सामान को लौटाने वाले ड्यूटी रत टिकट चेकिंग स्टाफ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK लाल सर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9832824975। मेमो पैसेंजर ट्रेन का मेमो एक्सप्रेस में परिवर्तन। निम्नलिखित मेमो पैसेंजर ट्रेनों को इसके वर्तमान समय सारणी ठहरावों और संगठन के साथ संशोधित ट्रेन संख्या और नाम के साथ 1 मई 2022 में मेमो एक्सप्रेस ट्रेनों में परिवर्तित किया जाएगा। ट्रेन संख्या 03503035 04। वर्तमान हटिया वर्तमान मेमो पैसेंजर को संशोधित संख्या 13503135 04 के साथ वर्तमान हटिया वर्तमान मेमो पैसेंजर के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। ट्रेन संख्या 03545-0346 आसनसोल गया आसनसोल मेमो पैसेंजर को संशोधित संख्या 13545-13546 के साथ आसनसोल गया आसनसोल मेमो एक्सप्रेस के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। ट्रेन संख्या 03553-03554 आसनसोल वाराणसी आसनसोल मेमो पैसेंजर को संशोधित संख्या 13553-13554 के साथ आसनसोल वाराणसी आसनसोल मेमो पैसेंजर के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल
एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर